और न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन यानी कि मोटरोला एच 30 अल्ट्रा एंड इस फोन का जो प्राइस है वो करीब 55,000 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको इसके हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिन्हें यूज करके आपने जो पैसे खर्च किए हैं आप उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं एंड इस फोन को पूरी तरह से अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी है मोटोरोला मोटो एच 30 अल्ट्रा देन डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, दिस इज रचना, वेलकम टू माय चैनल टेक शार्प। सबसे पहले टिप है जो लॉक स्क्रीन पर क्लॉक का आइकन है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, उसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है इस आइकन पर। लॉन्ग प्रेस करने पर आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे और आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है जेस्टर्स को लेके, तो जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें नीचे आपको जाने सिस्टम्स पे। सिस्टम में जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा जेस्टर्स का ऑप्शन, जिसे आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको, जिसमें जो काम के हैं वो है एक फास्ट टॉर्च। कई बार होता है कि एकदम लाइट चली जाए या कुछ है तो आपको जल्दी से टॉर्च ओपन करना है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं ऊपर से फास्ट टॉर्च में। ये जो ऑप्शन है ये डिफ़ॉल्ट आपको ऑन नहीं मिलेगा, ऑफ मिलेगा, आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही लाइट जाती है आपको सिंपली अपने फ़ोन को उठाकर इस तरीके से शेक करना है तो टॉर्च इसमें जल जाएगी, और इसी तरीके से शेक करेंगे तो बंद हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर अचानक ही आपको कहीं अंधेरे में ज़रूरत पड़ जाती है टॉर्च की। और जेस्चर्स वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है और वो है क्विक कैप्चर का। क्विक कैप्चर को अगर आप यहाँ से ऑन कर देते हैं इस वाले टॉगल, तो इसमें जैसे ही आप अपने फ़ोन को इस तरीके से शेक करेंगे तो आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा फ़ोन का, और अगर दोबारा से इस तरीके से शेक करेंगे तो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है अगर आपको क्विकली अपने कैमरा को यूज़ करना है। नेक्स्ट जो काफ़ी काम का ऑप्शन है वो है स्वाइप टू स्प्लिट। इसे जब आप ऑन करेंगे यहाँ से तो आप पर गूगल खोला और मुझे अब इसे स्प्लिट स्क्रीन में लाना है किसी और ऐप के साथ, तो मुझे जस्ट गूगल ओपन करने के बाद इस तरीके से करना है। और ये देख सकते हैं आप ऊपर गूगल जो है ऊपर की तरफ ओपन हो गया है, और मेरे को अगर इसके साथ दूसरी कोई ऐप ओपन करनी है तो मैं यहाँ से ओपन कर सकती हूँ। इस तरीके से यहाँ से जिस भी ऐप को बड़ा या छोटा करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर किसी ऐप को डिसमिस करना है तो जस्ट उसको इस तरीके से कर देना है तो वो हट जाएगी वहाँ से। नेक्स्ट जो काफ़ी यूज़फुल फीचर है वो भी जेस्चर्स में ही देखने को मिलता है, आपको नीचे की तरफ कस्टम शॉर्टकट देखने को मिलता है एंड जब आप इसे यहाँ से ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप ऑडियो ज़्यादा सुनते हैं तो आप ऑडियो रिकॉर्डर को इससे ऑन कर सकते हैं डबल टैप से, और अगर आप ओपन रेडी फॉर करेंगे, रेडी फॉर भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है उसके बारे में बाद में बताऊंगी, एंड अगर आप म्यूज़िक प्ले ज़्यादा करते हैं तो आप प्ले म्यूज़िक वाला ऐप कर सकते हैं। और अगर आप किसी और ही ऐप को खोलना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको कैलेंडर ऐप बार बार ओपन करना होता है, आप कैलेंडर पे इसमें अगर ऑन कर देंगे तो अब आप जब भी डबल टैप करेंगे अपने फ़ोन के पीछे तो कैलेंडर ऐप अपने आप ओपन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको इन तीन फिंगर्स का यूज़ करना है और इन्हें सिंपली आप जैसे स्क्रीन पर रखेंगे तभी जो है स्क्रीनशॉट आपका क्लिक होके आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेयर भी कर सकते हैं, इसको एडिट इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इससे इसको एडिट करना चाहती हूँ या इस पर कुछ भी राइट करना चाहती हूँ, किसी को कुछ बताना चाहती हूँ कि ये वाली ऐप के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं इस तरीके से करके भी इसे शेयर कर सकती हूँ। और इसे अगर मैं क्रॉप करना चाहती हूँ तो मैं क्रॉप भी कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कई केसेस में आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना होता है। जैसे अगर मैंने मान लो गूगल का कोई पेज खोल रखा है और मुझे इसका लॉन्ग स्क्रीनशॉट भेजना है किसी को, तो मैं क्या करूँगी कि सिंपली वही तीन फिंगर्स रखूँगी, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और उसके नीचे आप देख रहे हैं ये वाला आइकन आपको देखने को मिलेगा, एरोज से बने हुए हैं। मैं फिर से करके दिखाती हूँ, ये जो एरोज बने हुए हैं इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद ये अपने आप ऊपर ऊपर होता जाएगा कि आपको कहाँ तक इसका लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, जहाँ तक भी लेना है। उसके बाद अगर आपको स्टॉप करना है तो इस रेड बटन से आप स्टॉप कर देंगे, आप ये पूरा एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हो चुका है। तो ये देख सकते हैं अभी ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट आ गया हमारे पास। तय है कि भाई कितने टाइम तक मुझे डिस्प्ले को ओपन रखना है,
वो हम कम करके रखते हैं क्योंकि बैटरी कम ड्रेन होती है। वो बिल्कुल सही स्टेप है, बट कई बार हमने जब कम पे सेट किया होता है और हमें ज़रूरत होती है कि वो थोड़ी देर और ओपन रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो डिस्प्ले वाला इसका ऑप्शन है उसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे, जैसे आपने यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट जो है मैंने अभी फ़िलहाल 5 मिनट्स इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी, अदरवाइज़ इसे 30 सेकेंड्स पे हम रख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इससे बैटरी तो कम ड्रेन होगी ही, लेकिन कई बार हमें अगर हम कुछ रीड कर रहे हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम आउट जो है वो ज़्यादा करना होता है, तो यहाँ से आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे बैटरी जो है ज़्यादा ड्रेन होगी, हर टाइम वो आपका ओपन ही रहेगा उतने टाइम। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो यहाँ से आप 30 सेकेंड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर अटेंटिव डिस्प्ले पे। अटेंटिव डिस्प्ले पे जब आप जाएंगे और इसे यहाँ से ऑन कर लेंगे, ये ऑफ रहता है, इसे यहाँ से ऑन कर लेंगे, आप क्या होगा कि जब तक आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे तो चाहे वो 30 सेकेंड्स बाद बंद भी हो ना, आपने सेटिंग अपनी 30 सेकेंड्स पे की है बैटरी को सेव करने के लिए, लेकिन जब तक आप उस स्क्रीन को देख रहे होंगे तब तक वो ऑफ नहीं होगी स्क्रीन, चाहे उस पर कम टाइम भी सिलेक्टेड हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आती है जिससे बैटरी भी कम ड्रेन होती है और जब हमें ज़रूरत होती है उस समय पर हमारा जो स्क्रीन है वो उतने टाइम तक ओपन रहता है जितने टाइम तक हमें उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट टिप है, अपने फ़ोन को आप कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, उसकी जो लुक है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए ये जो मोटो का आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि लेआउट है तो यहाँ से आप लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आइकन्स अरेंज होने चाहिए, और अगर आप उसका एक प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे ये जो आई बनी हुई है उसके ऊपर जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको प्रीव्यू भी नज़र आ जाएगा। जैसे अगर मैंने ये वाला किया और मुझे प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगी तो यहाँ से प्रीव्यू देख सकती हूँ। इसी तरीके से आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, किस टाइप के फॉन्ट्स यानी कि किस टाइप के वर्ड्स आपको लिखे हुए दिखने चाहिए वो चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ये कम बोल्ड है, अगर आपको ज़्यादा बोल्ड वाला चाहिए तो ये वाला होता है, एंड मोटो वाला चाहिए तो ये होता है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो यहाँ से, और कलर्स चेंज कर सकते हो। कलर्स यहाँ पर आपको सॉलिड कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिससे ये टॉगल कीज़ का जो है कलर चेंज हो जाएगा, और अगर आप इसको वॉलपेपर से मैचिंग बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। इसी तरीके से आइकन्स की भी शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे अभी फ़िलहाल ये वाला है सिलेक्टेड, अगर मुझे कोई और शेप चाहिए तो इस टाइप की शेप हो जाएगी, इस टाइप की हो जाएगी, तो आप कई तरीके की शेप्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी आप ये जो क्लॉक का जो भी आपका मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है जो आता है फैक्ट्री सेटिंग वाला, उसे भी आप इजीली चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पर होम स्क्रीन पे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे, और यहाँ से आप जब विजेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर क्लॉक के विजेट्स पे जब आप जाएंगे तो काफ़ी सारे क्लॉक के जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। या जैसे कि ये जो एनिमेटेड वाला है ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और अगर मैं इसे सेट करती हूँ, इसे मैं लॉन्ग प्रेस करके कहीं पर भी प्लेस कर सकती हूँ जहाँ पे भी मुझे इसको प्लेस करना है, और मैं इसका साइज़ भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट टिप जो है वो उनके लिए जो कि गेमिंग करना चाहते हैं फ़ोन पे, तो उसके लिए आपको गेम मोड पर जाना है, और गेम मोड पे जाने के बाद यहाँ जो सेटिंग्स दे रखी हैं इन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एक इसके अंदर एकाउस्टिक लाइट्स का ऑप्शन होता है तो उसे जैसे COD वगैरह आप प्ले करते हो तो प्ले करते वक्त उसमें जहाँ से एनिमी आ रहा होगा वहाँ से आपको एक लाइट एक फ्लैश दिखेगी, तो उससे गेम में भी हेल्प मिलती है और तो काफ़ी अच्छा लगता है गेमिंग करते वक्त। साइड बार ये आपको एरो दिख रही होगी, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके पास खुल के आ जाएंगे, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी है, ब्लॉक नोटिफिकेशंस का है, लॉक्ड मोड का है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये देख रहे हैं आप ये जहाँ से साउंड आएगी वहीं पर ये वाली लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, ये वाली ये एकाउस्टिक लाइट जो मैंने अभी ऑन किया था। एक बार हम किसी ऐसी जगह पर बैठे होते हैं
जहाँ पे कि हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती, इनकमिंग कॉल्स हम सोचते हैं कि आए लेकिन हम उसको साइलेंट मोड पर करना भूल गए हैं फ़ोन को, तो उसके लिए एक ऐसी ऑप्शन है जिसे आप हमेशा ऑन रख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स उसके बाद जाना है आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर। जैसे आप साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप फॉर D&D, और इसे आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। अब जैसे ही फ़ोन अगर किसी का आ जाता है और आप ऐसी जगह पे बैठे हैं कि आपको अटेंड नहीं करना है और आप साइलेंस पे करना भूल गए हैं फ़ोन को, तो जस्ट आपको उठा के फ़ोन को उल्टा रख देना है। जैसे ही आप उल्टा रखेंगे आपके पास आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि किसका कॉल आया है, बट जो है उससे जो शोर वाली कहानी है वो नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी को लेकर, जिसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है एंड यहाँ पर आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। प्राइवेसी में आप इस पे चले जाएंगे तो यहाँ पर प्राइवेसी डैशबोर्ड, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसे प्रेस करना है आपको, और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ऐप ने कब आपके माइक को या आपके कैमरा को एक्सेस किया है। तो यहाँ से आपको सभी ऐप्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं कैलेंडर ऐप के बारे में जानना चाहती हूँ, तो जैसे मैं प्राइवेसी डैशबोर्ड खोलूँगी तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कैमरा ऐप को किस किस ऐप ने यूज़ किया है। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि ये मोटो एक्शंस एंड जेस्टर्स ने मेरे कैमरा को यूज़ किया है 2 बार, और कितने मिनट पहले कितने बजे जो है यूज़ किया है वो सब कुछ आ जाएगा। और यहीं से अगर मैं चाहूँ कि मैं ये एक्सेस जो है इस वाली पर्टिकुलर ऐप को ना दूँ अपने कैमरा का एक्सेस, तो यहाँ पर परमिशन मैनेजर देखने को मिल जाता है, और इस परमिशन मैनेजर की हेल्प से मैं जो हूँ किसी भी ऐप का कोई भी परमिशन हटा सकती हूँ या दे सकती हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन को किसने, कौन सी ऐप को मैंने परमिशन दिए हुए हैं, वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मेरे को उसे, कि मुझे वो परमिशन हटानी है या रखनी है। अगर मुझे वो ये माइक्रोफोन की परमिशन नहीं देनी है मैसेजिंग ऐप को, तो मैं यहाँ से डोंट अलाउ कर दूँगी, तो अब जो है मैसेजिंग ऐप मेरा माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से अगर आपको भी अपने फ़ोन पर हाई परफॉर्मेंस टास्क करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत है, एक्चुअली ये फ़ोन है 8GB रैम का और इसमें यही सिंगल वेरिएंट लॉन्च किया गया है, बट अगर आपको इसका रैम बढ़ाना है, जैसे कि दूसरे फ़ोन्स में आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है, सेम वो ऑप्शन आपको यहाँ सेटिंग्स में देखने को मिलता है। सेटिंग्स में जाके आपको सिस्टम पे जाना है एंड सिस्टम के बाद आपको परफॉर्मेंस पे जाना है। परफॉर्मेंस पे जाने के बाद आपको ये जो रैम बूस्ट वाला ऑप्शन है इस पे जाकर इसे ऑन करना है। अब जब आप ऑन करेंगे तो ये बोलेगा कि आपको इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं रीस्टार्ट तो यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना है, बट आप यहाँ से जाकर रीस्टार्ट करके इसकी जो 8GB की रैम है उसे 2GB और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि 8GB की रैम एज़ 10GB की रैम यूज़ होगी। ऑल्दो इस प्रोसेस के अंदर जो एक्स्ट्रा 2GB की रैम है वो इंटरनल स्टोरेज से ही यूज़ होती है, तो वो एक चीज़ है कि अगर आप इंटरनल स्टोरेज को कम बट रैम को ज़्यादा यूज़ करते हैं देन डेफिनेटली ये ऑप्शन आपके लिए काम का हो सकता है। म्यूज़िक लवर्स के लिए, जैसे कि आपका फ़ोन अगर लॉक्ड कंडीशन में है और आपको उसी समय अपने फ़ोन में वॉल्यूम कम करना है म्यूज़िक का या ज़्यादा करना है, तो वो आप अपनी वॉल्यूम की से कर सकें, तो आपको सेटिंग्स में मीडिया कंट्रोल्स पे आपको सिंपली सेटिंग्स में जाके ऊपर मीडिया कंट्रोल्स जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स आ जाएगा, और उसे जब आप ओपन करेंगे यहाँ से ये वाली जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देंगे, तो अब क्या होगा कि लॉक्ड भी होगा ना अगर फ़ोन, तो भी वॉल्यूम डाउन एंड आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको सॉन्ग दूसरा चेंज करना है तो वो भी आप लॉक फ़ोन में ही कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो म्यूज़िक ऐप जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो इस फ़ोन में दिया गया है, उसके एनिमेशंस को चेंज कैसे करते हैं कि सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट पे आप जाएंगे तो वो पिन पूछेगा, अपना पिन फिल करने के
यहाँ पर आपको एनिमेशन स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। एनिमेशन स्टाइल्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें डिफ़ॉल्ट वैसे रेडियल वेव्स दिया होता है, पर मुझे बूम रैंग ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। और एक क्रोमा डायल आपको देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस टाइप से आप फिंगरप्रिंट के एनिमेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो फीचर है वो है बैटरी सेव करने के लिए, या फिर कई बार होता है कि आप चार्जिंग पे लगा के भूल जाते हैं अपने फ़ोन को, तो उससे बैटरी जो है ओवर चार्ज हो जाती है, और उस ओवर चार्जिंग से जो बैटरी की लाइफ है वो काफ़ी कम रह जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर सेटिंग्स में बैटरी पे जा सकते हैं, एंड देन यहाँ पर ओवर चार्ज प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है, इसे हमेशा ऑन रखें ताकि आपका फ़ोन अगर ओवर चार्ज हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत ना आए। और इसी के साथ यहाँ पर ऑप्टिमाइज चार्जिंग होता है, तो ये भी अगर आप ऑन रखें तो फ़ोन की जो बैटरी है उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइफ बढ़ जाती है। रेडी फॉर ऐप है और ये आइकन है उसका, तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इससे आप अपने फ़ोन को पीसी से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पीसी पे कोई काम कर रहे हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं और फ़ोन पे आने वाले नोटिफिकेशंस, मैसेजेस वगैरह हर चीज़ को अपने पीसी से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो अच्छी है इसके बारे में वो ये कि आप साइमल्टेनियसली अपने फ़ोन को भी यूज़ कर पाएंगे। इस फ़ोन का जो कैमरा UI है वो मिलता है गूगल के पिक्सल सीरीज से। तो जब आप कैमरा ऐप को ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्मार्ट हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, नाइट विजन का ऑप्शन है, एक्टिव फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, जिसमें एक्टिव फ़ोटोज़ में आप जिस भी फ़ोटो पर क्लिक करते हैं उसके कुछ सेकेंड पहले और कुछ सेकेंड बाद के भी जो हैं ऑप्शंस क्लिक हो जाते हैं, और आप उसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा शॉट चाहिए। क्योंकि ये चीज़ तब ज़्यादा यूज़फुल होती है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो मूविंग होता है और आप वहाँ से अलग अलग शॉट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पोर्ट्रेट कैमरा इसका यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप फोकल लेंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लरिंग को आप यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डॉल्बी एटमॉस से लेके। डॉल्बी एटमॉस के साथ जो है मोटोरोला का पार्टनरशिप है, एंड दैट इज़ वाई कि इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो ऑडियो है वो बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलती है। तो जब आप इसमें डॉल्बी एटमॉस वाले आइकन पर जाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ऑडियो की ज़्यादा नॉलेज है तो आप यहाँ से सिलेक्ट। तो ये तो थी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको मोटोरोला मोटो H30 अल्ट्रा में देखने को मिलती हैं। एंड कि आपको कौन सी टिप या ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी दूसरी वीडियोज़ भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मेरी दूसरी वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।